डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के बज चुके हैं 8 और मौसम कुछ इस तरीके से है, बढ़िया सा मौसम हुआ है, अभी बारिश नहीं आई हुई है। और मम्मी आ चुकी है गाय वाय हका के। और ये देखो पहाड़ी गीजर अपनी सर्विस देता हुआ। मॉनसून के टाइम पे भी यहाँ पे गर्मी पानी की जरूरत पड़ती है, देख लो पहाड़ों में किस तरीके का मौसम है। ये मम्मी यहाँ पे सिलेंडर रखने के लिए जा रही है। बासली शराब तो अभी हम जा रहे हैं मछखाली के लिए, और हमारे साथ हैं गौरव जी, और वहाँ बासली शरा से हमको मिलेंगे हमारे दादी, तो उनके साथ जाएंगे हम। तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए आज मछखाली, आपको भी ले चलते हैं। और पहाड़ की ये हसीन वादियाँ देखिए, ये हमारा घर है। ये है हमारे खेत खलिहान, और जहाँ देखो वो देखो क्या खतरनाक कर दिया है सुअर ने, यहाँ पे जंगली सुअरों ने क्या खतरनाक आतंक मचाया हुआ है। देखो पूरी मडुए की फसल आपको अगर दिख रही होगी, ये खेत में पूरा बिस्तर जैसा बना के रखा हुआ है। ये देखो हाय हाय हाय, इतनी मेहनत करके इन खेतों में, इतनी मेहनत करके इन खेतों में घोड़ा गाड़ा निभाया, और उसके बाद ये देखने को मिला यहाँ पे। इस बारी की तो मैंने भी यहाँ पे दिन उठाना था। और ये है पहाड़ी रास्तों का सफ़र, जहाँ आपको मिलेगा रास्तों में पानी, रास्तों में कचियार, और रास्तों में ओस मिलेगी। तो तभी एक आप जो पहाड़ी बोलते हैं ना, पहाड़ी बन सकते हो, जब आपने ये सब चीज़ देखा हो पहाड़ में, ये चीज़ झेला हो पहाड़ में। ये देखो, और इन मडुए को देख के तो मेरे को याद आ गया अपने स्कूल के दिनों में, जब बीच खेत के बीच में से रास्ता जाता था और इधर उधर से बात देते थे, और जो अगला वाला बंदा आता था जो दनकता था ना वो, हाय हाय हाय, ऊपर डाल लो नहीं हिच लो नहीं क्या करो है दिनिए। और ये देखो धान, ये है धान का खेत, और धान की बालियां आनी शुरू हो चुकी हैं। और ये देखो धान पोस रहा है बजे, पहाड़ों में मेरा बसेरा है, गले में मफलर मेरा है। ये देखो पहाड़ों में मेरा बसेरा है, गले में मेरा मफलर है, जो कि है नहीं इनके पास। ये आ चुकी है हमारी गांव की नदी, अब एक पार कशी करूँ मैं हगिया अम्मी के। देखो गौरव ने तो सैंडल पहनी है भाई, ये तो निकल लिया मेरे को। हाँ अल्टरनेट रास्ता है हमारे, वहाँ से आने वाला है। अरे पुआ बैठ छू तो सही यार, तो कहीं नींद। अब यहाँ से हम आएंगे इस रास्ते से होते हुए, ये जैनगढ़ी का रास्ता, और पता नहीं कैसे कैसे रास्तों में से मेरे को जाना पड़ रहा है। ये देखो वाह, ये है एडवेंचर, और ये है पुरानी चक्की, और वो है दुकान ना, वो है प्रधान क्रांत बखई हमारी डोटल गांव की सबसे पहली बाखली। ये देखो ये जो है ना, ये है हमारी गांव की रोड, और अभी हम जा रहे हैं पैदल वाले रास्ते से। ये है हमारा तोई, और
आमा बुबू की काखी में खेल खिलाए, अंग वाल डाले जा लोरी सुनाए, तू सो जाए। जा रहे हैं मछखाली गांव की ओर, और ये देखिए क्या खेती बाड़ी हो रखी है। मस्त डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, गुहा गो रखे यार। हमारे उधर तो बानर वानरों ने नुकसान कर रखा है काफी। तुमने खाया गुहा गर्म घोक है ना? डाली डाली यहाँ देखो घोक तो एका घोक बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और ये आसपास का ये प्यारे सा व्यू जबरदस्त मछखाली। वो है बिरला कॉलेज और यहाँ बन रहे हैं कुछ नए फ्लैट वगैरह। और वो जो ये रोड है ना, ये है मछखाली से रानीखेत जाने वाली रोड है, और ये मछखाली की मार्केट, इस आसपास मछखाली की मार्केट है। और बहुत पहले आया था मैं तब से, और अब मैं तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं। झूहर की खेती अभी भी हुई है यहाँ, मैंने मतलब बहुत सालों बाद देखा है झूहर कहीं। और वो भी झूहर है वो आगे वाला, ये झूमर है और वो कौन है देखो, और वो मडुआ। अभी हम हैं मछखाली में, ताऊ जी लोग भी घर के पास, और घुआ खा रहे हैं घुआ। और ये है दोस्तों यहाँ का नहला। देखो रास्ते में हमको एक नहला मिला है, और क्या शानदार नहला है। देखो आप पहाड़ों में जितने भी नहले हैं ना, सरकार के द्वारा इनमें गेट वेट लगा दिए गए हैं। और ये देखो, और देवों की भूमि उत्तराखंड में, मतलब कहीं भी जाओ आप, आपको भगवान के रूप में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और ये देखो यहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित किया हुआ है नहो के बाहर ये। और ये व्यू देखिए क्या प्यारा सा व्यू आ रहा है। और अभी हम जा रहे हैं मछखाली गांव से तल्ली रूनी से ऊपर मार्केट की तरफ को, तो चलो मार्केट में घूमते हैं थोड़ी। काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट और काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छे अच्छे होटल हैं मछखाली में, क्योंकि यहाँ से हिमालय का व्यू दिखता है, तो काफ़ी रिजॉर्ट और काफ़ी होटल वगैरह हैं। और यहाँ हमको मिले हैं ये देखो पहाड़ी सेब, घिंगारू बोलते हैं ना।
पूरा मछखाली का व्यू है ये, और यहाँ पर रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट, और एक रेस्टोरेंट जो बहुत पुराना है ये, वुड्स विला रिजॉर्ट रेजिडेंसी। तो ये देखिए, और आसपास याक एंड जीती, वो सामने याक एंड जीती का रिजॉर्ट रहा। तो और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, कितना प्यारा व्यू दिखता है, मतलब बहुत सारे गांव यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए, पता नहीं कौन कौन से गांव है, महद गांव, सुधर गांव, डोटल गांव भी यहाँ से दिखता है, और बगुना, रदगल, बहुत सारे गांव हैं। और क्या प्यारा सा व्यू है, देखो। अभी बज चुके हैं शाम के 8, और मम्मी ने बना दी है रोटी वोटी, रोटी वोटी बना के अभी चूल्हा फ्री हो चुका है। और ये देखो चूल्हे को कैसे यूज किया जाता है, इसमें थोड़ा सा दूध होगा, दूध को यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमारा गाय जो है इक्वल लग चुका है। इक्वल बोलते हैं मतलब एक टाइम पे सोने लग गया, पहले दो टाइम दूध देता था, अब एक टाइम। तो अब सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है, चाह घुटुक के लिए कब रखना है, कब क्या करना है करके। तो ये है हाल समाचार। अभी लाइट भी चली गई थी, अभी आ चुकी है लाइट अब फाइनली। ये है हाल समाचार, खाते हैं अभी खाना वाना। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।